जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबी लोगों के आवास पर आज सीबीआई ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीआई की ओर से पूर्व राज्यपाल के करीबियों पर यह कार्रवाई बीमा घोटाले से जुड़े एक मामले में की है। इससे पहले सीबीआई की ओर से 28 अप्रैल को पूर्व राज्यपाल से इस मामले की पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में इस मामले को लेकर सत्यपाल मलिक के बयान भी दर्ज किए थे। आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से बीमा घोटाले मामले में पूर्व राज्यपाल के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बली के दिल्ली स्थित आवास पर की है, जिस पर सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीबीआई कथित बीमा मामले में शिकायतकर्ता सुनक बाली को परेशान कर रही है, जबकि वो बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे मीडिया सलाहकार थे। क्या है बीमा घोटाला मामला? सीबीआई की ओर से जिस बीमा घोटाले मामले में पूर्व राज्यपाल के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली के आवास पर छापेमारी की जा रही है, दरअसल ये पूरा मामला सत्यपाल मलिक के गवर्नर रहने के दौरान का है। अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक फाइल किसी आरएसएस नेता से भी जुड़ी हुई थी। पूर्व गवर्नर के इन आरोपों के बाद सीबीआई ने इनमें दो केस दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी थी। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने 14 जगहों पर तलाशी ली थी। इसमें सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को भी एक समन भेजा था। आपको बता दें कि सीबीआई ने कथित बीमा घोटाले में पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के सहयोगी के दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। जाहिर है कि पूर्व राज्यपाल इन दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन को भी पूर्व राज्यपाल अपना समर्थन देने पहुंचे थे। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर भी कहा था कि हमारे सैनिक पुलवामा हमले में शहीद हुए, जबकि पीएम मोदी को पता था कि पुलवामा हमले में सुरक्षा के इंतजाम कम थे। फिलहाल सीबीआई की ओर से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली के दिल्ली स्थित आवास के अलावा जम्मू कश्मीर में भी छापेमारी की जा रही है। सीबीआई अधिकारी के मुताबिक बीमा घोटाले मामले में दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं सीबीआई की ओर से इस मामले में अप्रैल में सत्यपाल मलिक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सीबीआई ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में हुए बीमा घोटाले को लेकर पूर्व राज्यपाल से कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती है, जिसके जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि सीबीआई किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण चाहती है, जांच एजेंसी को उस केस में जवाब देना चाहिए जिसकी रिपोर्ट उन्होंने खुद की। हालांकि सत्यपाल मलिक इस मामले में पहले से सीबीआई के रडार पर थे, अब देखना होगा जैसे जैसे जांच बढ़ती है इसमें किन किन लोगों का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।